ऑफिस के लिए, क्योंकि आज भी ऑफिस जाना है, संडे भी ऑफिस जाना है, दिवाली के दिन भी ऑफिस जाना है, दिवाली के दिन संडे हो गया तो भी ऑफिस जाना है। अभी ऑफिस जाना है, रेडी हो गई हूँ, फुल ये ड्रेस जो दिखाया था ना मैंने ऑनलाइन वो वाला है, अभी फुल दिखाती हूँ मेरे पे कैसा लग रहा है, ऐसे कैसे लग रहा है बताना। अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ, मिलती हूँ आपको। दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मैं तो दिवाली विश करना तो भूल ही गई थी, देखो मैं चश्मा फेंक रहा हूँ वहाँ, पहन लेती हूँ। हाँ, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से पटाखे फोड़ना, ठीक है, बाय बाय। तो गाइस, ये दिवाली का दिन है और मैं आ गई हूँ ऑफिस में, और ये मेरा आउटफिट और ये है मेरा कैबिन, और मैं ऐसे ही शूट कर रही हूँ। बाजू में मेरे मिठाई बांटी जा रही है, और हाँ, हमारा लंच पार्टी बहुत है, तो हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। सर की गाड़ी में बैठ के हम तीनों गर्ल्स सर की गाड़ी में बैठे हुए हैं, और ये सर है जो ड्राइव कर रहे हैं, और इधर बाजू में राजू सर बैठे हैं, और ये हमारा रास्ता है, हम जा रहे हैं। और फाइनली हम लोग पहुँच गए सरोवर में, सरोवर का दो सरोवर, एक ओल्ड और न्यू, हम लोग न्यू में आ गए हैं। और ये देखिए, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी, इसलिए हम लोग बोले चलो मेनू एक्सप्रेस में ले चलो या न्यू सरोवर में ले चलो। तो सर हम लोग को न्यू सरोवर में लेकर आए, और मैं यहाँ पे उन लोग को बोल रही थी मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं घर पे आ गई हूँ, कप का आ गई हूँ, रंगोली भी बना दिया, अब मैं फ्रेश होंगी, फिर नाइट जो नाइट में पहनने के लिए लाया था मैंने वो पहनूंगी, मैं आप सबको दिखा के। गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ, ये देखो मेरा आउटफिट, मैं फुल आउटफिट का एक शॉट बना के डालूंगी, देखना। देखो मैंने काजल लगाया, काजल काजल, वैसे ही यूजुअली मैं काजल नहीं लगाती हूँ, कैसी लग रही हूँ, हाँ खिल रहा है। चलो मिलते हैं। और हमारे घर पे आ गए हैं न्यू मेहमान, ये जो ग्रीन और ब्लैक कलर का जो फर्स्ट वन है ना, ये न्यू मेहमान है हमारे घर के, इलेक्ट्रिक स्कूटी लिया है, मम्मी यहाँ पे आके पूजा करी थी। और ब्लू वाला भी हमारा है, ये भी नया ही है, ये भी नया है। और फिर मम्मी ने पूजा जो कर लिए थे, नारियल फोड़ दिए थे, और फिर वो पहले ही आ गए थे मम्मी भैया पूजा करने के लिए, तो मैं वही बोल रही थी पहले ही भाग के आ गए। और यहाँ पे नीचे एंट्रेंस पे रंगोली बनाया है जो नीचे रहते हैं, और यहाँ पे ये भाभी ने बनाया है रंगोली, मेरी बाजू वाली भाभी ने, और सिंपल सा मैंने भी अपना वहाँ पे बना लिया है। और यहाँ पे मेरी भाभी खाना बनाने की तैयारी करती है, तो वो पूरी बनाने की तैयारी थी, यहाँ पे पनीर बन रहा था, यहाँ पे खीर बन रहा था ऑलरेडी, और ये पूरी बनाने के अजवाइन डाल के और थोड़ा खस्ता पूरी बनाएंगे। यहाँ पे मम्मी ने दिए वगैरह सब धो के रख दिए, जो दिए आते हैं वो धो के ही रखा जाता है। और यहाँ पे मेरे ऑफिस से मिठाई भी आता है, ग्रीन कलर वाली स्कूटी है, इलेक्ट्रिक वाली, कल ही आ गई थी, कल डिलीवरी का आया था, तो फिर आज भी पूजा हुआ है उसका, कल नहीं हुआ था, सिर्फ अगरबत्ती लगाया था मम्मी ने, और आज मम्मी ने हार और चढ़ा के नारियल फोड़ के अच्छे से पूजा किया। दोनों स्कूटी का बाइक था वो बेच दिया था, और फिर बाद में ये स्कूटी आया, अभी दो स्कूटी होगी मेरे पास। तो अभी लक्ष्मी पूजा की तैयारी हो रही है, मम्मी कर रही है, फिर बाद में पूजा होगा, और मेरी भाभी खाना बना रही है, आज स्पेशल वही पनीर, ये सभी बनता है, वेज में बनाना होता है। तो बाबू यहाँ पे दूध पी रहा है, चम्मच से दूध पीता है, बॉटल से डॉक्टर ने मना किया है इसलिए। और ये है मेरा दिवाली नाइट का आउटफिट सूट जो मैंने लिया था, पैंट वाला सूट है, दुपट्टा इतना सुंदर था इसका पूछो मत, बहुत सुंदर है ड्रेस, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसे लगा बताना। और ये मैंने हमारे यहाँ स्टोर है वो गुमन वहाँ से लिया था। और यहाँ पे मम्मी तैयारी करने लगी पूजा की, तो हम मम्मी ने आसन वगैरह रख दिया है, मिठाई वगैरह सब अभी निकाल के रख रहे हैं। और यहाँ पे लक्ष्मी जी और गणेश जी का मूर्ति आ गया था, लेकर आए मेरी सिस्टर, लेकर आई होगी, वही जाती मम्मी के साथ आने के लिए। और बाकी सब मैं दिया उतार रही हूँ यहाँ पे, फिर उसको बाती लगाऊंगी, फिर उसमें ऑयल डालेंगे, यही सब काम करना है। तो फिर उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे, पूजा के बाद फिर आरती होगी, फिर आरती होने के बाद सारे दिए पूरे घर में लगाए जाएंगे। तो मैं भी मम्मी के साथ बैठ गई हूँ, मैं मम्मी पूजा की तैयारी कर रही, पूजा और मेरी भाभी खाना बना रही है, और बच्चे यहाँ घूम रहे हैं। अभी ना सावी आएगी, सावी बहुत मस्ती करती है, अभी जितनी बड़ी हो रही उतनी उसकी मस्ती बढ़ती जा रही है। और अभी डोर पे जो भगवान जी की मूर्ति है वहाँ पे दो हार लगाना है, एक बाहर साइड एक अंदर साइड, बाहर साइड पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगाया, क्योंकि हमारा जो घर का मेन डोर का जो दिशा है वो सही जगह पे नहीं है, इसलिए फिर पंडित जी ने पंचमुखी हनुमान जी का पूजा करवाया था, इससे मतलब दिशा का जो ये रहता है दोष निकल जाता है।
तो ये बाहर साइड का ये देखिए पंचमुखी हनुमान जी लगे हैं। पंचमुखी हनुमान जी होते ना या भगवान कोई, उनका ही लगा हुआ है। अब ये इधर गणेश जी लगाए हैं अंदर साइड में, तो यहाँ पे भैया टीका करके और ये हार लगा रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं मम्मी पूजा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये देखो इसको कोसा बोलते हैं, जो बड़ा वाला दिया नहीं कोसा, ये जलाया ही जाता है, इसलिए मम्मी ने दो लाया था, तो मम्मी उसको जलाएगी। और यहाँ पे सारे दिए लगा दिए मैंने, अब उसमें बाती लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को, इतना भागम भाग जाता है ना हर काम में, और अब मेरा ऑफिस भी था तो मुझे जाना पड़ गया था, तो इसलिए मैंने रंगोली कुछ खास नहीं बनाई, सिंपल से बना दी थी, क्या करूँ टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ मैं दिया, मैं बाती लगा रही हूँ, जो बाती है ना रेडीमेड ही मंगा लिया था, तो रेडीमेड में भी अच्छा आ जाता है, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और यहाँ पे सब में मैंने ऑयल डाल दिया है, मम्मी यहाँ पे पूजा करेगी, पूजा करने के बाद फिर दिया जलाएंगे हम लोग, फिर आरती होने के बाद दिया पूरा सब जगह, मतलब हॉल में, हॉल के बालकनी में, मेन डोर पे और सारी बालकनी में, और फिर किचन में भी रखा जाता है दिया, और वॉशरूम के बाद भी रखा जाता है दिया, मतलब हर जगह घर में रखा जाता है, हमारे पे ऐसे ही परंपरा है, तो हम लोग रख देते हैं हर जगह पे। मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कहाँ कहाँ रखा था, फुल सब जगह से नहीं सूट कर पाई थी। हाय कर दो, हाय कर दो, देखो मेरी चाबी रेडी हो गई, अपनी चुंडी दिखा दो, चुंडी, बैठो बैठो, चुंडी दिखिएगा, बैठो ऐसे, चल दिया पाए, चल बैठो, देखो अभी आरती भी बाकी है, आरती है, बैठो दिखे दो मेरे को। और फाइनली यहाँ पे पूजा संपन्न हो गया है। ये दो मिठाई मैंने बनाया था, येलो वाला आया था बाहर से, और मुझे भी ऑफिस से 1 kg मिठाई मिला था। और ये देखिए मैंने ये बालकनी में, ये किचन के पास रखा है, और ये दूसरी बालकनी में, यहाँ पे लाइटिंग मैंने छोटी छोटी से लगा दी थी, टाइम ही नहीं मिलता था, मैं लाइटिंग लेकर आऊँ, जो लेकर आई थी वो भी नहीं लगा पाई। ये भाभी ने बनाया था, जो बाजुल भाभी है उन्होंने बनाया। यहाँ पे सारी को मैं बाहर ले जा रही हूँ, अभी डर रही है, लो ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे, लो बेटा नहीं लोगी, लो लो लो, नहीं ले रही है, सावी को डर लग रहा है, सावी को डर लग रहा है, सब नहीं ले रही। अरे मैं तो बस, ये है पनीर, जीरा राइस, खीर, और ये सूरन की, सूरन का चोखा बनता है, 2 पूरी ली हूँ। सूरन का चोखा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, दिवाली के दिन खाया जाता है हमारे इधर। मेरी भाभी ने बनाया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ लेट हो गई आई, रंगोली बनाई, टाइम हो गया, पूजा करने लगी तो खाना बना ली, फिर हम लोग ने पूजा वूजा कर लिया। अभी चलो खा के मिलूँगे नहीं, अब मैं पटाखा फोड़ने भी जाऊँगी, अब मैं कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो दिवाली का वो लोग ऐसे ही रहा हमारा, ऐसे सब सेलिब्रेट किया हम लोगों ने, सब जगह दिए लगा दिए सारे, बालकनी में, बाहर, वो सब मैंने नहीं दिखाया जल्दी जल्दी में, और बस ऐसे धूमधाम से दिवाली बन गई है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो जरूर करना, लाइक बहुत कमा रहे हैं, बाय बाय।